राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और जिसमें विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे ट्रैक्टर पर सवार होकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने स्वराज एक्सप्रेस से कहा है कि आज भारत बंद का हमने समर्थन किया है, केंद्र ने 3 कृषि कानून लाए हैं, जब तक केंद्र इसे वापस नहीं ले लेती हमारा विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। वहीं विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि अन्नदाताओं के हक और अधिकार की लड़ाई जारी है। देखिए, आज किसान के विरोध में आज हमारे मोहन मरकाम पटेल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक किसानों के विरोध में एक रैली निकाली गई है और पूरा देश किसान के साथ में खड़ा हुआ है। जिस तरीके से देश में 3 काले कानून लाए गए हैं, यही नहीं पूरे देश में इनका व्यापक विरोध हो रहा है और जब तक के ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। और एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, सिर्फ 2 जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून लाया गया है, मगर हम पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक के ये काले कानून वापस नहीं लेते हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विधायक विकास उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। सुबह 6:30 बजे से व्यापारियों से अपील कर रहे थे कि वो अपनी दुकानें बंद करें और जब ट्रैक्टर चला रहे हैं किसानों, ये ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अन्नदाता के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार किसान विरोधी, किसान हितैषी नहीं है। जो काला कानून हिटलरशाही राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के दादागिरी पर उन्होंने किया है, आज 50,000 से ज्यादा किसान अपने परिवार के साथ सिंधु बॉर्डर पर बैठा है और उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम तमाम कांग्रेस के साथ ही पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। और आज देखिए कि शांतिपूर्ण तरीके से हम हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं और पूरा बंद स्फूर्त बंद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विधायक विकास उपाध्याय, महापौर और खुद ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार हैं और भारत बंद का जो विरोध है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि किसानों का समर्थन करेंगे। कैमरामैन सोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।